नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के निरसा में एसडीपीओ के नेतृत्व में महाकाल भट्टा में छापेमारी। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस ने फटका गोपालपुर स्थित जय महाकाल भट्टा में छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 60 टन कोयला व 6 साइकिल जब्त किया गया। भट्टा मालिक व भट्टा संचालक पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा को सूचना मिली। सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह के साथ छापेमारी की। चोरी का कोयला साइकिल से भट्टे में गिराते हुए पाया गया। पुलिस ने भट्टे से 6 साइकिल एवं 10 से 15 बोरी में भरा 660 टन कोयला जब्त किया। मुकमा संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। भट्टा में एक भट्टा है जिसका विजय सिंह मालिक है। पता चला था कि वो साइकिल से कोयला ले रहा है, तो हम लोग देर रात हम लोग गए थे तो देखे कि वहाँ पर भट्टा में साइकिल से कोयला लिया जा रहा है। कोयला को उसमें उतार रहा था, कुछ बोरा से गिरा रहा था, तो उसमें से हम लोग वहाँ पर छापामारी किए थे। थाना प्रभारी निरसा भी थे, तो सभी लेबर लोग थे और मुंशी था तो भाग गया। ऑफिस वगैरह में कोई नहीं मिला, तो हम लोग साइकिल को जब्त किए हैं, कोयला को जब्त किए हैं और उस भट्टे के संचालक, उसका मालिक और अन्य के विरुद्ध अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। कितने साइकिल सर जब्त हुए? साइकिल कुल 6 साइकिल था। बोरा में कोयला भी था और कोयला बिखरा हुआ था जो बोरा से गिराया गया था। वाहन भी थे क्या उसके साथ? नहीं, वाहन नहीं। ठीक।